हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड ड्रेस में आपने तो कहीं देखा देखा सा लगता है। हाँ, आपने मेरी मैगी चैलेंज वाली वीडियो में देखा होगा। अरे, आपने नहीं देखा तो जल्दी जाइए उस वीडियो को देख के आइए। सॉरी, मेरा भाई है तो जाइए, जल्दी जाइए उस वीडियो को देख के आइए। हाँ, तो उसके बाद ही हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक ही दिन में उस वीडियो को शूट किया था। आज जो दिन, मतलब जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, उस दिन ही मैं उस वीडियो को भी शूट किया था। तो मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो एक सब्सक्राइब बटन बनता है ना, तो प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ना सब्सक्राइब मेरे लिए, मेरे भाई के लिए प्लीज़ कर दीजिए ना सब्सक्राइब। और मेरी वीडियो अच्छी, कमेंट शेयर किया कीजिए गाइस, और अपने शेयर अपने दोस्त रिलेटिव सबके साथ किया कीजिए। तो इतना इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए काफ़ी है। तो चलो, वीडियो है फाउंडेशन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हमें, कौन सा स्टेप को स्किप नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टेप ज़रूरी है, कैसे कैसे करके हमारा फाउंडेशन 5 से 6 घंटे तक टिक जाए हमारी फेस पर, और केकी ना लगे हमारी जो फेस से, उससे ज़्यादा व्हाइट ना लगे या उससे ज़्यादा ब्लैक ना लगे। हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पैची हो जाता है, ऐसा ना लगे, उसके लिए हम कौन सी स्टेप कर सकते हैं, तो उसी के बारे में है वीडियो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनमें से कोई एक स्टेप को आप स्किप कर देते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइस, हमें फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद लेना है एक आइस क्यूब, जिसको मैं कॉटन के जो कपड़े होते हैं उससे लपेट कर मैं अपने फेस पर मसाज करूँगी 5 मिनट तक, जिससे क्या होगा, जो ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है वो हाइड हो जाएगा। जो ऑयली स्किन वाले होते हैं या जिनका पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उससे क्या होगा, हमारा ये पसीना आने का चांस या ऑयल जो फेस पर आ जाता है फाउंडेशन लगाने के कुछ घंटे बाद, क्या कुछ मिनटों बाद ही, उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा पसीना भी कंट्रोल रहेगा या ऑयल भी। तो आप इसको स्टेप को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ये नहीं करना चाहते तो आप ठंडा पानी से मुँह धो लीजिए, वो भी काम देगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक मॉइस्चराइजर लेंगे, उसके लिए मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल है, ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का जैसा काम करता है। तो आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए, आप कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन वाले हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मल स्किन वाले भी, तो आप देख सकते हो। उसके बाद हमें लेना है प्राइमर। प्राइमर आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग एंड जो केक ही नहीं बनाएगा, इसके लिए प्राइमर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप फाउंडेशन पर खर्चा कर रहे हैं तो प्राइमर पर भी कीजिए, एक अच्छा सा प्राइमर लीजिए, जिससे कि हमारा प्राइमरी होता है कि हमारा फाउंडेशन बहुत ही सुंदर लगता है फेस पर और बहुत देर तक लगे रहता है और नेचुरल लुक भी देता है, क्योंकि प्राइमर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये लैक्मे का प्राइमर है, इसको मैं बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। इसको अच्छे से मैंने फेस पर लगा लिया है, आप भी लगा लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको एक लेना है ब्यूटी पॉन्स मैं नाटक कर रही हूँ, उसको इग्नोर कीजिए। तो हमें एक लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसको क्या करना है, पानी में सोक करके रखना है, मतलब पानी से पानी के अंदर रख देंगे मेकअप के 5 मिनट पहले, वो अच्छे से पानी सोक कर लेगा। उसके बाद उससे भी पानी निचोड़ लेना है, पूरा का पूरा पानी निचोड़ लेना है, उसके बाद बहुत ही अच्छा सा वो सॉफ्ट बन जाएगा, उससे हमें फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे, ठीक है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें एक फाउंडेशन लेना है, अच्छा कंपनी का फाउंडेशन लेना है। तो पहले हमारा स्किन टोन से मैच होता कि नहीं, उसका आपको टेस्ट करना है, इसी तरह से टेस्ट करना है, जिससे पता चलेगा वो हमारी स्किन टोन से मैच होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हम फाउंडेशन लेंगे, मतलब आप फाउंडेशन लोगे तो आपको स्किन टोन से मैच होता हुआ ही फाउंडेशन लेना है, ज़्यादा डार्क या ज़्यादा ब्राइट फाउंडेशन नहीं लेंगे, इससे अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा फाउंडेशन हर जगह सही मात्रा में फैला दीजिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम देंगे तो बहुत ही अनरचुलर सा लगेगा, पैची लगेगा। और उसके बाद आपको ऐसे डैब डैब करके उसको ब्लेंड करना है, डैब डैब करके पूरा अच्छे से, जैसे वो ऑब्जर्व कर ले और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और कान कान को नहीं छोड़ना है, नेक को नहीं छोड़ना है, हर जगह
नेक्स को अच्छे से ब्लेंड करना, नहीं तो अपना हमारा फेस ग्लो करेगा और नेक दिखेगा काला, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो आप समझ रहे हैं ना, मैं समझा पा रही हूँ ना। तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या देख रहे हो। तो चलिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। उसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से अच्छी तरीके से आपको ब्लेंडिंग पर ध्यान देना है। आप जितना अच्छा ब्लेंड कर सकेंगे आपका फेस उतना ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा, सुंदर लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से ब्लेंड कीजिए। उसके बाद हमें ये स्टेप बिल्कुल नहीं भूलना है, वो देखिए। मैं उसके बाद मैंने बहुत मेहनत से शूट करती हूँ चेयर पर रख के मोबाइल, तो इसको हम आप देख सकते हो। सो, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। हाँ, ब्लेंड करना है, सॉरी ब्लेंड नहीं करना है, आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना है। मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, उससे एक ब्रश से मदद से मैं सेट कर रही हूँ। मैं पागल की तरह क्या क्या बोल रही हूँ उसके लिए सॉरी। आप समझ रहे हो ना, आपको सेट करना है कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे फेस पर। ठीक है, अच्छे से, हाँ ऐसे ऐसे लगा के धीरे धीरे से, क्योंकि ये पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा और सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो मैंने जितना भी स्टेप दिखाए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको पूरा पहले से लास्ट तक ऐसे फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पहले मैं भी गलती करती थी, फाउंडेशन कैसे भी लगा लेती थी, कोई भी शेड पिकअप करके लगा लेती तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। अब मैं इसी तरीके से लगाती हूँ तो मेरा जो मेरा रिजल्ट है बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी नाटक थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिए। सो आपको फेस पर भी नेक पर भी कर लेना है। सो आप देख सकते हो मैं उंगली से कर रही हूँ, ये नहीं निकल रहा है, अब ये निकलेगा भी नहीं। आप जरूर इस वीडियो अच्छी लगी ना, अच्छी लगी तो प्लीज उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे भी ट्राई कर सकते हो, जो ऐसे ऐसे हो रहा होगा उसे प्लीज प्रेस कर दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, लव यू ऑल।